हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। सो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। सो मेरे प्यारे बच्चों, हम लोगों ने स्टार्ट करा था इंजीनियरिंग मैकेनिक्स इससे पहले वाले लेक्चर में, और जहां पर अपन ने ये पढ़ा था कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स होता क्या है, साथ ही साथ फोर्स क्या होता है और सिस्टम ऑफ फोर्स क्या होता है। तो जिस बच्चे ने उस वाले वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है बेटा, आप सबसे पहले जाकर पहला लेक्चर अटेंड करें ताकि आपको इस दूसरे लेक्चर में कोई भी परेशानी ना हो। ठीक है बेटा, चलिए। तो इस दूसरे लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी, ये हमारा पहला टॉपिक होगा। दूसरा टॉपिक होगा हमारा ट्राइंगल लॉ। तीसरा टॉपिक होगा पैरेललोग्राम लॉ। और जो हमारा चौथा टॉपिक होगा वो होगा पॉलीगन लॉ। तो इस लेक्चर में अपन इस चार टॉपिक को कवर अप करने वाले हैं। और इससे पहले वाले लेक्चर में अपन ने कवर करा था कि फोर्स क्या होता है और साथ ही साथ आपका सिस्टम ऑफ फोर्स। ठीक है, तो अगर आप एक सीक्वेंस में पढ़ोगे मेरे प्यारे बच्चों तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अब जैसे कि कुछ कुछ बच्चे हैं जो ये पैरेललोग्राम लॉ देखने के लिए आए होंगे, तो यार देखो मैंने वहाँ बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया, तो आप सिस्टमैटिक ढंग से पढ़ो। तो जब अपन सिस्टमैटिक ढंग से पढ़ते हैं तो सारा टॉपिक हमारा कवर हो जाता है। ठीक है, वैसे अगर YouTube में आप वीडियो देखोगे तो किसी ने ट्राइंगल लॉ बताया 4 मिनट का, फिर 4 मिनट का आपका पैरेललोग्राम लॉ, तो ऐसे नहीं यार, एक रिदम बनता है। तो यहाँ पर अपन क्या कर रहे हैं, एकदम बेसिक से पढ़ रहे हैं, एक रिदम बनाकर पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए। और दूसरी जो सबसे बड़ी चीज है बेटा, आप अभी अपना नाम कमेंट करोगे, क्योंकि होता क्या है, मुझे पता चलना चाहिए कि हाँ इस नाम का बच्चा इस क्लास को अटेंड कर रहा है और प्रॉपर अटेंड करने के लिए इस क्लास को आया है। वरना होता है कि सब लोग अरे सर आप, मतलब मुझे भी तो लगना चाहिए कि आप पढ़ रहे हो। तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है कि आपको मुझे पैसे वैसे नहीं भेजने, सिर्फ आपको नाम कमेंट करना है, नाम कमेंट कर दो। ठीक है बेटा, चले तो फिर हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो भैया जाओ, जिसने पहले वाला लेक्चर को नहीं देखा है वो पहले वाला लेक्चर देख कर आओ। ठीक है, चले। तो बेटा सबसे पहला जो टॉपिक है वो है आपका प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी। देखो ये बहुत जरूरी है, एग्जाम में इसका जो थ्योरी क्वेश्चन है ना बेटा वो आता है। ठीक है, लेकिन देखो बच्चे क्या करते हैं, बच्चे इससे रटते हैं, लेकिन पता मेरे हिसाब से इसको रटने की कोई जरूरत नहीं। अगर मैं आपको प्रॉपर तरीके से ये समझा दूं कि प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी क्या कहता है, तो आप समझने के बाद अगर एक दो बार आप डेफिनेशन को पढ़ोगे आपसे आराम से वो डेफिनेशन याद हो जाएगा। ठीक है बेटा, चले। तो यहां पर आप समझिएगा कि प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी क्या होता है। मान लो हमारे पास एक बॉडी है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है बेटा, एक बॉडी है। ठीक है, और हमने इस ए पॉइंट पर क्या किया है बेटा, एक फोर्स लगाया। हमने क्या किया, इस ए पॉइंट पे फोर्स लगाया। ठीक है, चलो। ठीक है, अब देखो ये इसका लाइन ऑफ एक्शन होगा। अगर इस पॉइंट पे हम क्या किए, फोर्स लगाए बेटा, तो ये जो हम डॉट डॉट बना रहे हैं सीधा लाइन, ये होगा हमारा लाइन ऑफ एक्शन। इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं लाइन ऑफ एक्शन। ठीक है बेटा, चलो। तो देखो बेटा इस लाइन ऑफ एक्शन में हम इस फोर्स को क्या कर सकते हैं, ट्रांसमिट कर सकते हैं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह। अगर हमें बी पॉइंट पर देखो, ये भले हमने फोर्स यहां पर एफ वन लगाया है इस पॉइंट ए पर, लेकिन हम बी पॉइंट पर इसी फोर्स को ड्रॉ कर सकते हैं और नाम क्या देंगे मेरा प्यारा बच्चा, एफ वन। तो इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी। आप बोलोगे सर बिल्कुल समझ में नहीं आया, आप बोलोगे सर बिल्कुल समझ में नहीं आया, फिर से बताओ। मुझे पता आपको समझ में नहीं आया, मुझे एक दो बार और बताना पड़ेगा। देखिए बात आप समझिएगा बेटा, कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत इजी सी चीज है। ठीक है, इसको मैं रफ करता हूं। यहां लाइन ऑफ एक्शन का बड़ा गेम है, यहां पे लाइन ऑफ एक्शन का बड़ा गेम है। ठीक है, फिर एक मैं आपको रियल लाइफ एग्जाम्पल बताऊंगा तो वहां से आपको समझ में आ जाएगा। मान लो कि अपन ने यहां पर इस ए पॉइंट पर क्या किया, एक फोर्स लगाया। हमने इस ए पॉइंट पे क्या किया, एक फोर्स लगाया एफ वन। ठीक है, तो देखो इससे स्ट्रेट लाइन हम लोग क्या करेंगे, एक डॉट डॉट बनाएंगे, तो ये होता है बेटा लाइन ऑफ एक्शन। ये क्या होता है बेटा, ये होता है, इसे कहते हैं लाइन ऑफ एक्शन। ठीक है, और ये हमेशा क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। यहां भी देखो हमने यहां पर एक फोर्स लगाया है एफ, और ये हमारा क्या हो गया, लाइन ऑफ एक्शन हो गया। तो इस फोर्स F1 को हम इस पॉइंट B पर भी लगा सकते हैं, और अगर अपन को जरूरत हो तो हम इस पॉइंट C पर भी लगा सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगा, कोई भी दिक्कत
नहीं होगा। बोलोगे सर मजा नहीं आ रहा। भाई एक और बात आप समझो, अपन क्या खेलते हैं, अपन खेलते हैं कैरम और अपन को इस गोटी को मारना है। तो भाई मेरे, अगर इस गोटी को हम लोग डायरेक्ट थोड़ी ना मारेंगे, अपन क्या करते हैं स्ट्राइकर लेते हैं और स्ट्राइकर से क्या करते हैं लाइन ऑफ एक्शन रखते हैं और इस वाले गोटी को क्या करते हैं हिट करते हैं। तो भले हम फोर्स यहां पर देते हैं, यहां पर हम क्या करते हैं बेटा फोर्स देते हैं, लेकिन ये जो स्ट्राइकर है ये फोर्स को क्या कर देता है यहां पर ट्रांसमिट कर देता है, यहां पर क्या कर देता है बेटा ट्रांसमिट कर देता है। मतलब आपने फोर्स स्ट्राइकर को दिया और उस स्ट्राइकर ने क्या किया फोर्स को कहां दे दिया बेटा उस गोटी में दे दिया। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हो फोर्स का क्या हुआ ट्रांसमिशन हुआ। लेकिन एक बात यहां पर कंडीशन जो आपको समझना बहुत जरूरी है कि वो लाइन ऑफ एक्शन में ही ट्रांसमिट करेगा। ऐसा नहीं कि आपने यहां पर पॉइंट ए पर दिया तो ये यहां ट्रांसमिट कर देगा, नहीं। अपन फोर्स को ट्रांसमिट कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह, हम लोग फोर्स को ट्रांसमिट कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन उसका लाइन ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए बेटा स्ट्रेट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने यहां पर फोर्स लगाया और हम तो पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी, हमने क्या किया फोर्स को यहां पर ट्रांसफर कर दिया, नहीं मेरे बच्चा ऐसा नहीं कर सकते हैं। इस फोर्स को हम लोग ट्रांसमिट कर सकते हैं लेकिन लाइन ऑफ एक्शन में, मतलब सीधी रेखा में। तो अगर आपको लगता है तो आप इसको नोट करो, एक बार मैं आपको और समझा देता हूं, ठीक है। सपोज ये पॉइंट ए है, ठीक है, और ये पॉइंट क्या है बेटा बी है। तो हमने क्या किया ए पर फोर्स लगाया एफ, हमने क्या किया ए पर फोर्स लगाया एफ, और ये जो ए है ना बेटा ये बी के लाइन ऑफ एक्शन में आता है। तो भले हमने ए पर फोर्स लगाया हो लेकिन अगर हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं तो इसी सेम फोर्स को हम बी पर भी इस तरीके से लिख सकते हैं या तो हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। क्यों लिख सकते हैं बेटा, क्योंकि देखो फोर्स हमने भले ए पर लगाया था लेकिन अपनी जरूरत पड़ने पर इस फोर्स को हम यहाँ बी पे भी लगा सकते हैं इस तरीके से और यहां भी लगा सकते हैं इस तरीके से, क्योंकि मतलब लाइन ऑफ एक्शन में हम लोग भले ही फोर्स यहां पर लगाएं इसको ट्रांसमिट करके हम यहां भी लिख सकते हैं और इसको ट्रांसमिट करके हम यहां भी लिख सकते हैं। इसी को बोला जाता है बेटा प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्स। बस आपको यह ध्यान रखना है कि जो लाइन ऑफ एक्शन में ही हम लोग फोर्स को ट्रांसफर करते हैं, लाइन ऑफ एक्शन, ठीक है। जैसे कैरम का मैंने आपको एग्जाम्पल बताया कि भले यहां पर गोटी है, आप स्ट्राइकर से क्या दोगे फोर्स दोगे, ठीक है, और ये क्या करेगा इसको जाकर फोर्स को ट्रांसमिट कर देगा। लेकिन फोर्स को कब ट्रांसमिट करेगा, जब ये इसके लाइन ऑफ एक्शन में आएगा। आप मारते हो ना भाई स्ट्राइकर से, एकदम सीधा मारते हो तभी जाके गोटी पे लगता है, तो फोर्स यहाँ पे क्या होता है ट्रांसमिट होता है। तो एक बात अपने दिमाग में बैठा लो कि हम लोग फोर्स को ट्रांसफर कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह, बशर्ते वो उसके लाइन ऑफ एक्शन में आना चाहिए। जैसे कि कभी आपको कोई काम पड़ता है ना, जैसे मम्मी बोलती है कि आप तुम बाजार जा रहे हो तो सब्जी भी लेते आना, क्योंकि बाजार और सब्जी एक ही जगह पर है, तो लाइन ऑफ एक्शन यहाँ पर क्या हो गया सेम हो गया। तो अगर मैं बाजार जाऊंगा तो मैं सब्जी भी ला सकता हूँ, ठीक है बेटा। चलिए तो उसी तरीके से एक बार मैं फिर समझा दूं, अब लोग जरा बोर हो रहे हैं, ठीक है। चलो भले यहाँ पर फोर्स ए है और ये आपका बी है, अगर हम ए पर फोर्स लगाते हैं तो अगर बी इसके लाइन ऑफ एक्शन पे है तो ये फोर्स को हम लोग मान सकते हैं यहां भी, कोई दिक्कत की बात नहीं। क्यों, क्योंकि ये फोर्स यहां लगा है और बी उसके लाइन ऑफ एक्शन पे आ रहा है, ठीक है। चलो यार लगे सर बहुत पकाने लगे आजकल है, आगे बढ़ो। चलिए बेटा तो अब बात करते हैं हम लोग रिजल्टेंट फोर्स के बारे में। अब हम लोग बात करते हैं रिजल्टेंट फोर्स के बारे में। देखो बेटा रिजल्टेंट फोर्स क्या होता है, बात यहां पे समझिएगा। जो हमारा रिजल्टेंट फोर्स होता है बेटा वो होता है सम ऑफ ऑल फोर्स, सम ऑफ ऑल फोर्सेस इज कॉल्ड, मतलब बहुत छोटा सा डेफिनेशन है, रिजल्टेंट फोर्स। देखो बेटा बात समझिएगा, देखो जैसे कि अपन क्या करते हैं बेटा, अपन करते हैं 10 + 10 इज इक्वल टू 20। तो ये बहुत आसानी से हम लोग जोड़ लेते हैं बेटा। क्यों आसानी से जोड़ लेते हैं, क्योंकि ये जो है मेरा प्यारा बच्चा ये स्केलर क्वांटिटी है, ये क्या है मेरा प्यारा बच्चा स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन जो हमारा वेक्टर होता है वो, सॉरी जो हमारा फोर्स होता है वो होता है वेक्टर क्वांटिटी।
तो वेक्टर क्वांटिटी को हम लोग इस तरीके से नहीं जोड़ सकते। जैसे कि आप सोचोगे हमारे पास F1 है 10 न्यूटन और दूसरा फोर्स है F2 है 20 न्यूटन, तो अपन क्या करें अगर ऐसा निकालना हुआ F1 और F2 तो हम क्या करेंगे 10 प्लस 20 कर देंगे आ जाएगा 30 न्यूटन। तो ऐसा नहीं होता, ठीक है। ये जो था ये स्केलर क्वांटिटी था और ये क्या है बेटा आपका वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर क्वांटिटी को हम लोग ऐसे एडअप नहीं कर सकते, ठीक है। तो बोलोगे सर ऐसे एडअप नहीं कर सकते तो कैसे एडअप कर सकते हैं आप ये बताओ। नहीं मतलब अच्छा सवाल है ना, आप बोलोगे सर अगर वेक्टर क्वांटिटी को हम लोग इस तरीके से एडअप नहीं कर सकते तो कैसे एडअप करेंगे। चलो सबसे पहले आप ये समझ लो कि रिजल्टेंट फोर्स अपन किसे कहते हैं। जब हम लोग दो या दो से अधिक फोर्स को जोड़ते हैं, ठीक है, और जोड़ने पर जो अपन को आंसर आता है जो फोर्स आता है उसी को क्या बोलते हैं रिजल्टेंट फोर्स कहते हैं। जैसे कि मान लो कि हमारे पास एक फोर्स है F1, दूसरा फोर्स है F2 और तीसरा फोर्स है F3। मान लो हमारे पास तीन फोर्स है, अगर हम इन तीनों फोर्स को जोड़ते हैं F1 प्लस F2 प्लस F3, ठीक है, तो जोड़ने पर जो अपन को फोर्स आएगा बेटा, ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे उसी को हम लोग बोलेंगे रिजल्टेंट फोर्स, ठीक है बेटा। चलिए तो इसमें मत कंफ्यूज करना, बहुत इजी सी चीज है कि जब हम लोग सारे फोर्स को जोड़ते हैं और जोड़ने पर जो आंसर आता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं बेटा रिजल्टेंट फोर्स कहते हैं, ठीक है। चलिए तो देखो रिजल्टेंट फोर्स निकालने का दो तरीका होता है, रिजल्टेंट फोर्स निकालने का दो तरीका होता है। पहला जो होता है बेटा वो होता है ग्राफिकल मेथड। कौन सा मेथड बेटा? ग्राफिकल मेथड। और जो दूसरा मेथड होता है वो होता है एनालिटिकल मेथड। क्या होता है बेटा? एनालिटिकल मेथड। तो ग्राफिकल मेथड में अपन क्या करते हैं ड्राइंग वगैरह बनाते हैं और ड्राइंग वगैरह बनाकर क्या करते हैं रिजल्टेंट फोर्स को फाइंड आउट करते हैं। और एनालिटिकल मेथड में क्या करते हैं बेटा हम लोग फॉर्मूला का यूज करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, और हमारा जो रिजल्टेंट होता है उसको फाइंड आउट करते हैं। तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे बेटा वो हमारा फोकस होगा ग्राफिकल मेथड, ठीक है, और इससे इसके बाद वाले लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे एनालिटिकल मेथड पे फोकस करेंगे, ठीक है बेटा। चलिए तो कंफ्यूज नहीं होना, मैं एक बार फिर से रिकॉल कर दूं कि जब हम लोग फोर्सेस को एडअप करते हैं और फोर्स को एड करने के बाद, ठीक है, जो अपन को रिजल्ट जो फोर्स मिलता है उसी को कहते हैं रिजल्टेंट फोर्स। और रिजल्टेंट फोर्स मेरा प्यारा बच्चा दो तरीके से फाइंड आउट करते हैं, पहला ग्राफिकल और दूसरा एनालिटिकल। आप लोग भी ये सोचते होंगे कि सर यार कितनी एक बात को आप कितनी बार बोलते हो। पता मैं आपको क्या समझता हूँ, मैं आप लोगों को नर्सरी का बच्चा समझता हूँ। नर्सरी के बच्चे को ऐसे ही पढ़ाया जाता है, ए फॉर एप्पल, फिर बोलती है मैडम ए फॉर एप्पल, फिर बोलती है ए फॉर एप्पल। नो डाउट जब क्लास खत्म होगा ना अगर आपसे कोई पूछ देगा तो भले ही आप रिवाइज ना किए हो लेकिन आप उस सवाल का जवाब दे पाओगे, क्योंकि मैं इतनी बार खुद बोल दूंगा, सुनोगे 10 बार एक ही बात को सुनोगे तो दिमाग में भले मत पढ़ो, मुझे पता है बच्चे फांकी मारते हैं, मैं खुद 10 बार बोल देता हूँ जाओ लेक्चर अटेंड करो 10 बार मेरे मुंह से सुन लोगे एक बार में काम हो जाएगा, कर लेता हूँ सर आपके बंदी मेहनत, कोई दिक्कत की बात नहीं। चलिए ठीक है बेटा, तो ग्राफिकल मेथड में जो सबसे पहला होता है वो होता है ट्राइंगुलर, ट्राइंगुलर मेथड होता है, ठीक है। तो ट्राइंगुलर मेथड मत लिखो, ट्राइंगुलर लॉ होता है, लॉ, ठीक है। दूसरा होता है बेटा आपका पैरेललोग्राम लॉ। दूसरा क्या होता है बेटा? पैरेललोग्राम लॉ। और तीसरा होता है आपका पॉलीगन लॉ। तीसरा क्या होता है बेटा? पॉलीगन लॉ। अब एक बात आप समझना, अगर अपन को दो फोर्स को जोड़ना है, अगर अपन को किसी दो फोर्स को जोड़ना है तो दो फोर्स को जोड़ने के लिए ओनली टू फोर्स। जब हम लोग को किसी दो फोर्स को जोड़ना है बेटा तो दो फोर्स को जोड़ने के लिए अपन क्या करते हैं ट्राइंगुलर लॉ और आपका पैरेललोग्राम लॉ का यूज करते हैं, ठीक है, ठीक है ना, बोलोगे यस सर। और जब अपन को मोर देन टू लॉ मतलब मोर देन टू फोर्सेस, जब दो से अधिक फोर्स को अपन को जोड़ना पड़ता है बेटा तो हम लोग किसका यूज करते हैं पॉलीगन लॉ का यूज करते हैं, ठीक है बेटा। चलिए अगेन आई एम रिपीटिंग द सेम थिंग एंड गोना बोर यू कि रिजल्टेंट फोर्स फाइंड आउट करने का दो तरीका होता है,
पहला होता है आपका ग्राफिकल मेथड और दूसरा आपका होता है एनालिटिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड में अपन पढ़ेंगे ट्रायंगुलर लॉ, पैरेललोग्राम लॉ और पॉलीगन लॉ। तो ट्रायंगुलर लॉ और पैरेललोग्राम लॉ ये हम लोग कब यूज करते हैं बेटा, जब अपन को सिर्फ और सिर्फ दो फोर्स को जोड़ना होता है, ठीक है। मतलब इस लॉ से, इस मेथड से हम लोग सिर्फ और सिर्फ दो ही फोर्स को जोड़ सकते हैं। और आप बोलोगे सर अगर दो से ज्यादा फोर्स हुआ तो, नहीं भाई बोलोगे ना यार कि सर अगर दो से ज्यादा फोर्स हुआ तो अगर दो से ज्यादा फोर्स हुआ तो हम लोग किसका यूज करेंगे, पॉलीगन लॉ का यूज करेंगे। अब देखो अगर आपसे एग्जाम में थ्योरी पूछ देगा तो आप उसमें एक लाइन तो ऐड अप कर सकते हो कि हाँ वी कैन यूज ट्रायंगल लॉ व्हेन वी हैव टू ऐड टू फोर्सेस। लिखो घटिया इंग्लिश, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो सामने आपका कॉपी चेक करने वाला उसको भी घटिया इंग्लिश ही आता है और उसको कोई अच्छा इंग्लिश नहीं आता है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर मैंने डेफिनेशन लिखवा दिया, डेफिनेशन में रीड नहीं करवाऊंगा, मैं आपको समझा देता हूँ, अच्छे तरीके से समझ लीजिए, ठीक है। चलिए तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बेटा, हम लोग पढ़ रहे हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस। अब आपको ये पता है कि जो ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस है ये हम लोग कब यूज करते हैं, जब अपन को किसी दो फोर्स को जोड़ना होता है, ठीक है। चलिए तो मान लीजिए आप एक बॉडी ले रहे हैं, ठीक है, और इस बॉडी में एक फोर्स यहां पर F1 लग रहा है, ठीक है, और एक फोर्स यहां पर आपका F2 लग रहा है, ठीक है, और इनके बीच में जो एंगल है वो मान लो थीटा है, ठीक है। मतलब इसी पॉइंट पर, इस पॉइंट पर एक फोर्स F1 लग रहा है और दूसरा फोर्स आपका F2 लग रहा है, और दोनों फोर्स के बीच में आपको एंगल दिया गया। देखो यहां पर मैंने किया ना, एक तरफ P लग रहा है, एक तरफ Q लग रहा है, और इनके बीच में एंगल कितना है बेटा, इनके बीच में एंगल थीटा है, ठीक है। चलिए तो अब इसका रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, देखो मान के चलो कि इरफान किसी चीज को इधर टांग रहा है, ठीक है, और उसकी गर्लफ्रेंड किसी चीज को इधर टांग रही है, तो एक्चुअली में वो चीज जाएगा कहाँ, हो सकता है झगड़ा हो गया हमारी गर्लफ्रेंड से हमारा, है ना, हम लोग किसी चीज को छीन रहे हैं, तो मैं इस तरफ फोर्स लगा के छीन रहा हूँ, हमारा गर्लफ्रेंड उस तरफ फोर्स लगा के छीन रही है, और बीच में एंगल क्या है, थीटा है। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर गर्लफ्रेंड नहीं वाइफ लिखी, आपकी शादी हो गई होगी, भैया शादी वादी नहीं हुई, तुम लोग बदनाम करते हो, ठीक है। चलिए बेटा देखिए इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, ये जो हमारा एफ वन है ना इसको आप ड्रॉ कर लो, ठीक है, जितना एफ वन है, अगर 10 न्यूटन है तो 10 न्यूटन ड्रॉ करो, ठीक है, मैं कन्वर्जन आपको बताऊंगा, फिलहाल आप ट्रायंगल लॉ समझ लो, ठीक है बेटा। सबसे पहले F1 क्या करो, ड्रॉ करो, तो जहां पर आपका F1 खत्म हो रहा है, जहां पर आपका F1 खत्म हो रहा है बेटा, वहां से आप क्या करो, जहां से F1 खत्म हो रहा है वहां से क्या करो, आप F2 ड्रॉ कर दो, आप वहां से क्या करो, आप F2 ड्रॉ कर दो, ठीक है, कितने एंगल पे, इसी थीटा एंगल पे, इसी थीटा एंगल पे। तो जहां से हमने शुरू करा था, ठीक है, मान लो ये पॉइंट बी हो गया, और जहां पर अपन ने क्या करा, खत्म करा, ठीक है, अब उसको क्या करो बेटा, आप आपस में जोड़ दो, तो ये जो आपका एसी वेक्टर आपको दिख रहा है यही आपका क्या है बेटा, यही आपका क्या है, रिजल्टेंट फोर्स है, और यहां पर जो एंगल बनेगा बेटा, ठीक है, ये आपका रिजल्टेंट का एंगल हो जाएगा, चलिए किसी बच्चे को अगर नोट करना है तो नोट कर लीजिए, ठीक है। चलो बच्चे बोलेंगे सर भाग रहे, अरे भाग नहीं रहे यार, एक और बता दे रहे, है ना, ऐसा ना सोचे अपन भागा भागी कर रहे हैं, ठीक है। देखो मान लो एक फोर्स यहां पर F1 लग रहा है, ठीक है, और इस तरफ एक फोर्स F2 लग रहा है, और बीच में ये एंगल कितना है, बीच में ये एंगल आपका थीटा है, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो अपन को ट्रायंगल बनाना है, मतलब ट्रायंगल लॉ से अपन को क्या करना है, रिजल्टेंट फोर्स खोजना है। तो आप परेशान मत हो, आप सबसे पहले क्या करो, आप F1 फोर्स को ड्रॉ कर दो, जितना F1 है आप क्या करो, ए और ये पॉइंट हो गया बी, आपने क्या किया F1 को ड्रॉ कर दिया, ठीक है बेटा। चलिए अब जहां पर आपका ये खत्म हुआ है, जहां पर ये वाला फोर्स आपका खत्म हुआ, वहीं से आप क्या कीजिए, ये दूसरा वाला फोर्स ड्रॉ कीजिए, तो ये दूसरा वाला फोर्स कितना एंगल पे, थीटा एंगल पे, तो यहां से आप क्या कीजिए, दूसरे वाले फोर्स को ड्रॉ कीजिए, और एंगल कितना रहेगा, एंगल आपका वही थीटा रहेगा,
ठीक है बेटा। तो देखो ये आपका पॉइंट बी और ये आपका पॉइंट सी हो जाएगा, ये आपका पॉइंट क्या हो जाएगा, ये पॉइंट आपका सी हो जाएगा। तो जहां से अपन ने स्टार्ट करा और जहां पर अपन पहुंच गए यही क्या हो जाएगा आपका रिजल्टेंट फोर्स हो जाएगा, और ये जो एंगल है ये आपका हो जाएगा फाइव। ठीक है चलो एक और एग्जांपल से समझो। देखिए बेटा एक आखिरी एग्जांपल ले रहे, कंफ्यूज मत हो यार, तीन चार बार बता रहा हूं तो समझ लो। मान लो ये फोर्स F1 है, ये फोर्स F2 है और यहां पर एंगल थीटा है। तो सबसे पहले क्या करो, आप सबसे पहले F1 ड्रॉ करो, ठीक। चलिए जहां पर F1 खत्म होता है, जहां पर आपका F1 खत्म हो जाता है वहीं से क्या करो, उसी से आप F2 ड्रॉ करो, उसी से आप क्या करो F2 ड्रॉ कर लो। ठीक है कितने एंगल पर, थीटा एंगल पर। कितने एंगल पर बेटा, आपका थीटा एंगल पे। तो ये आपका F1 था और ये आपका हो गया F2। मतलब जहां पर F1 खत्म हुआ वहीं से हमने F2 ड्रॉ करा। या बोलते ना जहां से तू सोचना बंद करता है मैं वहीं से सोचना शुरू करता हूं। तो यही F2 पता क्या बोलेगा फोर्स वन को, साले जहां पे तू खत्म होता है मैं वहीं से शुरू करता हूं। देखो F1 जहां पे खत्म होता है F2 वहां से शुरू होता है। ठीक है बेटा चलो। तो हम लोगों ने स्टार्ट यहां से करा था, अपन पहुंच कहां गए, यहां पर पहुंच गए। ठीक है तो अब इसको क्या करो, आप मिला दो। ठीक है तो जब आप मिलाओगे तो ये जो फोर्स मिलेगा ये आपका होगा रिजल्टेंट फोर्स। ठीक है और बात समझना बेटा, ग्राफिकल मेथड से एग्जाम में क्वेश्चन अपन नहीं सॉल्व करेंगे। हम लोग जब भी सॉल्व करेंगे एनालिटिकल मेथड से। आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि सर आप ग्राफिकल मेथड पे बेस्ड क्वेश्चन बताओ। मैं बताऊंगा कभी, लास्ट में बता दूंगा। फिलहाल अभी मैं ये चाहता हूं कि आप ट्राइंगल लॉ अच्छे से समझ जाओ ताकि एग्जाम में जब थ्योरी आए ट्राइंगल लॉ का तो आप लिख पाओ, क्योंकि अभी रिसेंट टाइम में ये देखा गया है कि थ्योरी पूछता है, चाहे वो प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिटिविटी हो, चाहे वो ट्राइंगल लॉ हो, चाहे वो पैरेललोग्राम लॉ। ठीक है बेटा चले तो आगे मैं बता दूंगा कि इस वाले मेथड से कैसे फोर्स रिजल्टेंट को फाइंड आउट किया जाता है, लेकिन फिलहाल अभी नहीं। ठीक है चलिए अब बात करते हैं पैरेललोग्राम लॉ का। अब देखो पैरेललोग्राम लॉ के बारे में भी आपको पता है, पैरेललोग्राम लॉ के बारे में भी आपको पता है कि ये लॉ हम लोग तब यूज करते हैं जब अपन को किसी दो फोर्स को जोड़ना होता है। इस लॉ का इस्तेमाल हम लोग तब करते हैं जब अपन को किसी दो फोर्स को जोड़ना होता है। ठीक है बेटा चलिए। तो अब आपको एक बात तो पता है, पैरेललोग्राम क्या होता है ये पता है आपको। पैरेललोग्राम एक क्वाड्रिलेटरल होता है जिसका जो अपोजिट साइड है बेटा वो पैरेलल होता है, आपस में समांतर होता है और इक्वल होता है। मतलब ये इसके समांतर होगा और इसके इक्वल ये होगा। ठीक है इसी को बोलते हैं पैरेललोग्राम। ठीक है बेटा चलिए। अब मान लो अपन को पैरेललोग्राम से फोर्स को जोड़ना है, कैसे जोड़ेंगे बेटा बात समझना। मानिए ये आपका F1 है और ये आपका क्या है F2 है और इन दोनों के बीच में क्या है एंगल थीटा है। ठीक है चलिए अपन क्या करते हैं रीड्रॉ करते हैं। देखिए बेटा बात समझिएगा, ये हमारा F1 हो गया, ये हमारा F2 हो गया, एंगल क्या है बीच में, एंगल है आपका थीटा। ठीक है बेटा चलिए। अब यहां पर क्या करेंगे, वो वाला डायलॉग सलमान खान का याद है ना कि शाले जहां से तू खत्म होता है मैं वहीं से शुरू होता हूं। देखो F2 ने क्या किया, F2 ने F1 को पेला, क्या पेला, डायलॉग पेला कि साले जहां से तू खत्म होता मैं वहां से शुरू होता हूं। अब आ गया पैरेललोग्राम लॉ, अब F1 हमारा थोड़ा ताकतवर हो गया, अब F1 भी डायलॉग बोल रहा है। किसको बोल रहा है डायलॉग, F2 क्योंकि साले जहां से तू खत्म होगा मैं वहीं से शुरू करूंगा। ठीक है तो बेटा बात समझिए, F1 यहां पर खत्म है ना, तो यहां से अपन क्या ड्रॉ कर देंगे, यहां से अपन ड्रॉ कर देंगे F2 सेम एंगल पे। मतलब जहां पे F1 खत्म होता है वहां से F2 क्या होता है आपका शुरू होता है। ठीक, लेकिन F1 तेज हो गया, F1 भी बोला बेटा जहां से तू खत्म होता है मैं वहां से शुरू होता हूं,
तो यहाँ पे F2 खत्म हुआ बेटा, तो यहाँ से F2 खत्म हुआ, तो यहाँ से आपका बन जाएगा F1, क्या बन जाएगा F1, ठीक है, एकदम पैरेलल, ये इसके पैरेलल होगा और ये इसके पैरेलल होगा, बन गया क्या मेरा प्यारा बच्चा, बन गया हमारा पैरेललोग्राम, बन गया हमारा पैरेललोग्राम। तो देखो जहां से ये एंगल शुरू हुआ था और जहां पर ये मिल गया, इसको आपस में क्या करो, आप जोड़ दो, तो ये हमारा क्या हो गया, रिजल्टेंट फोर्स, और ये जो एंगल है बेटा ये हमारा हो गया रिजल्टेंट का एंगल, ठीक है बेटा। चलो एक और इसको अच्छे से पहले आप नोट कर लो, कुछ नहीं है यार, कुछ नहीं है, जहां पे F1 खत्म हुआ वहां पे अपन ने F2 ड्रॉ करा, ठीक है। देखो F2 दोनों आपस में क्या है, दोनों एंगल आपस, दोनों फोर्स आपस में पैरेलल है, और यहाँ F2 जहां पे खत्म हुआ वहां से F1 ड्रॉ करा, और F1 दोनों क्या है बेटा आपका पैरेलल है। तो जहां से ये स्टार्ट हुए थे और जहां पर ये मिल गए, इनको अगर जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, रिजल्टेंट मिलेगा। इसको नोट करो एक बार और अच्छे से बता देते हैं, है ना। बेटा कंफ्यूज होके नहीं जाना है ना, कंफ्यूज होके बिल्कुल नहीं जाना है, आराम से समझो, कोई दिक्कत नहीं, 10 बार बताऊंगा यार क्या होगा, 10 गाली तो दोगे, दे देना भाई पकाते हैं सर, यही बोलोगे ना, और क्या बोलोगे सर, है। लेकिन यार सपोर्ट करना, क्योंकि बहुत अच्छा इनिशिएटिव स्टार्ट किया, और पता मैं भी थोड़ा मूडी इंसान हूं, अब इसे फ्री में भी उतना भुक रहा हूं जितना मैं पेड में भुगता हूं, लेकिन आप लोग सपोर्ट करो, थोड़ा वीडियो को शेयर कर दो, बस सब्सक्राइब करने में नहीं बोल पा ना, आज तक मैंने कहीं बोला है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, ये नहीं, लेकिन जो जरूरतमंद है, एक ना दिमाग वाले बच्चे को भी ना ये बात समझ में आ रही होगी कि दो फोर्स को जोड़ने के लिए पैरेललोग्राम लॉ और ट्राइंगल लॉ का यूज किया जाता है, ना दिमाग वाले, दिमाग है आप लोगों के पास यार, लग के मैं पढ़ा रहा हूं, इसको बोलते हैं लग कर पढ़ाना, ठीक है, लग कर पढ़ाऊंगा, समझ में आएगा इसकी गारंटी मैं लेता हूं, अगले बार न्यूमेरिकल है अपना, अगला वाला क्लास न्यूमेरिकल वाला है, उसमें वो भी समझ में आएगा, है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है, चलिए तो अपन को इसको क्या करना है बेटा, पैरेललोग्राम से इसको करना है, ठीक है, इसको रीड्रॉ करेंगे। सबसे पहले ये जो है इसको आप बना लो, ठीक है। देखो बेटा आप जहां पर F1 खत्म हुआ ना वहां से आप F2 बना लो, और इसके पैरेलल होगा जस्ट ये, ठीक है। चलिए तो यहां से हमने क्या किया, F2 फोर्स बना लिया, ठीक है। कितने एंगल पे बनेगा ये आपका थीटा एंगल पे बनेगा, तो ये भी थीटा और ये भी थीटा, जब दो यहां भी थीटा लोगे तो ये इसका पैरेलल हो जाएगा, ये इसका क्या हो जाएगा पैरेलल। तो जहां पर F1 खत्म हुआ वहां से हमने क्या किया, F2 ड्रॉ कर लिया। अब यहां पर F2 खत्म हो रहा है तो यहां से F1 ड्रॉ कर लेंगे, यहां से क्या ड्रॉ कर लेंगे, F1 ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है बेटा। ये आपस में मिल जाएगा, और जब ये आपस में मिलेगा तो ये एक पैरेललोग्राम बनाएगा, क्या बनाएगा, एक पैरेललोग्राम बनाएगा, इसलिए ये है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस, क्या ये पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस, ठीक है। चलो तो जहां से अपन ने स्टार्ट करा था और जहां पर पहुंच गए, अगर इसको जोड़ेंगे तो ये क्या होगा हमारा रिजल्टेंट फोर्स। अब यार देखो अगर आप एग्जाम में बैठोगे ना तो मुझे कंफर्म पता है कि ये जो चीज है ये आप एग्जाम में करके आओगे, और जब एग्जामिनर ये देखेगा कि यार बंदे ने बड़े अच्छे तरीके से बताया तो वो इस पे उतना ध्यान नहीं देगा। लिखो अपने मन से लिखो ना, लिखो खुद से लिखने की कोशिश करो, क्या होगा शुरू में थोड़ा डरेंगे, या तो हो सकता है कम मार्क्स आएंगे, आने दो ना यार, आने दो कम मार्क्स, मेरे कितने नंबर हैं ये आपको पता है क्या, हमाऊ मैकेनिक्स में कितने नंबर आए थे आपको पता है क्या, कभी इच्छा हुई जानने की, कभी नहीं होगी। अगर मैं आपको ये बोल दूं कि हमाऊ 90% आए थे और मैं घटिया पढ़ रहा हूं, नहीं कर पाओगे यार, नहीं कर पाओगे, भले हम वो जीरो आए हैं और हम पढ़ा अच्छा रहे हैं, कोई बात नहीं, ठीक है सर कोई बात नहीं, आप पढ़ा पा रहे, खत्म बात, ठीक है। जो नॉलेज है वही आपके साथ आगे कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं पॉलीगन लॉ का, ठीक है बेटा। तो देखो एक बात अपन को ये पता है कि जब दो फोर्सेस को अपन को जोड़ना होता है तो अपन क्या करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, अपन ट्राइंगल लॉ का यूज करते हैं, पैरेललोग्राम का यूज, मतलब हाँ पैरेललोग्राम लॉ का यूज करते हैं। जब अगर दो से ज्यादा फोर्स हो, जैसे कि एक हम बिस्किट लाए घर में
बिस्किट लाए, अब मार हो गया बिस्किट में, हम इधर छीन रहे हैं फोर्स वन लगा के, हम भाई इधर छीन लिया है फोर्स लगा के, हम बहन इधर छीन रही है फोर्स लगा कर। हो सकता है ऐसा? क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है, हो सकता है। मान लो यहां पर एंगल थीटा है और इसके बीच में एंगल बीटा है, अब क्या करेंगे? अब रिजल्टेंट फोर्स कहां होगा? अब तो ट्रायंगल लॉ नहीं कर सकते, पैरेललोग्राम लॉ नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये जो था बेटा, ये सिर्फ दो फोर्स के लिए काम करता है। जब दो से अधिक फोर्स होगा तो अपन पॉलीगन लॉ का यूज करेंगे। तो यहां कुछ नहीं करना बेटा, इसको भी अपन क्या करेंगे, रीड्रॉ करेंगे। क्या करेंगे? रीड्रॉ करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आप एफ वन ड्रॉ करो। ठीक है, चल अब जहां पर एफ वन आपका खत्म हुआ है वहां से आप एफ टू को शुरू करो, लेकिन एंगल आपका सेम रहेगा। अब यहां से अपन ने क्या बनाया, यहां से अपन ने बनाया F2। ठीक है बेटा, चलिए अब जहां पर F2 खत्म हुआ है वहां पर, वहां से आप F3 बने। देखो F3 इस तरह यहां पर है ना, इतने एंगल पे, तो उसी एंगल पे अपन क्या बनाएंगे, F3 बनाएंगे। क्योंकि इसमें देखो एग्जाम में तो इस पे बेस क्वेश्चन नहीं आता, इसलिए उतना नहीं पटकना है कि सर कैसे। भैया देखो ऐसे नॉर्मल बनाओ, जहां पर आपका F1 खत्म हुआ वहां से आपने F2 बनाया। देखो F2 का डायरेक्शन ये था, हमने यहां भी F2 का डायरेक्शन यही रखा है। F3 का डायरेक्शन ऐसा था तो यहां पर भी F3 का डायरेक्शन अपन ने ऐसे रखा। ठीक है, तो हमने जहां से स्टार्ट करा था और हम जहां पर पहुंच गए, अगर इनको हम लोग क्या करेंगे, मिला देंगे, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा हो जाएगा रिजल्टेंट। ठीक है, चलिए बेटा अब यहां पर एक फिगर देखना। यहां पर एक बॉडी पर F1 लग रहा है, F2 लग रहा है, F3 लग रहा है, F4 लग रहा है, F5 लग रहा है। तो बेसिक सिंपल कंसेप्ट क्या कहता है, बेसिक सिंपल कंसेप्ट ये कहता है F1 ड्रॉ कीजिए, F1 जहां पे खत्म होता है F2 ड्रॉ कीजिए, F2 खत्म होता है तो F3 कीजिए, अगर चौथा फोर्स है तो चौथा फोर्स कीजिए, अगर पांचवा फोर्स है तो पांचवा फोर्स भी ड्रॉ कर दीजिए। बस ये ध्यान रखना है कि जहां पर पहला खत्म होगा दूसरा वहां से शुरू होगा, डायरेक्शन आपको सेम रखना है। जैसे कि F1 इस यहाँ पर इस तरीके से, तो इसमें भी इसी तरीके से बनाना। अब बड़ा जला F1 इस तरीके से है और यहाँ पर हमने इस तरीके से बना दिया, तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, चलिए देखिए F1 यहाँ पर इस तरीके से है, हमने क्या किया यहाँ पर F1 बना दिया। अब देखो F2 कहाँ है, इस तरफ। ठीक है, तो यहां से हमने उतना ही बड़ा उसी डायरेक्शन में F2 बना दिया। ठीक है, जब एग्जाम में करेंगे, फिलहाल देखो एग्जाम में आता नहीं है तो आप ऐसे रफ बना लो, कोई दिक्कत नहीं, इतने बेवकूफ नहीं, देखकर अपन इस तरीके से बना सकते हैं, न पाई उपाई की जरूरत नहीं, न पहिया करवाएंगे, अभी गलती कर दोगे आप। ठीक है, चलिए आप देखिए F3 का डायरेक्शन किधर है, इधर है, इस तरफ। तो आप बनाइए F3, जितना बड़ा है उतना बड़ा ही बनाइएगा। फिर आप देखो F4 कहां आ रहा है, F4 आपका इस तरफ है, इस तरफ F4 आपका इस तरफ। फिर देखो आप एक F5 लग रहा है, किस तरफ, इस तरफ, नीचे की तरफ। तो आपने क्या किया, F5 बना दिया। अब जहां से अपन ने शुरू करा था और जहां पर अपन खत्म कर रहे हैं, अगर इनको हम लोग जोड़ देंगे आपस में, तो यही क्या हो जाएगा हमारा, यही हो जाएगा हमारा रिजल्टेंट फोर्स। ठीक है, तो आई होप माय डियर फ्रेंड आज आप लोग प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिटिविटी अच्छे से पढ़ चुके होंगे। आज आपको पता है कि अगर दो फोर्स या दो से अधिक फोर्स को जोड़ते हैं तो जो आंसर मिलता है उसको रिजल्टेंट फोर्स बोला जाता है, ये पता चल गया आपको। साथ ही साथ ये पता चला कि रिजल्टेंट फोर्स को हम लोग दो तरीके से सॉल्व करते हैं, पहला ग्राफिकल मैथड, दूसरा एनालिटिकल मैथड। तो जो ग्राफिकल मैथड होता है उसमें भी तीन मैथड होते हैं, पहला ट्राइंगल लॉ, दूसरा पैरेललोग्राम लॉ, तीसरा पॉलीगन लॉ। ट्राइंगल लॉ पैरेललोग्राम लॉ तब यूज करते हैं जब दो फोर्स को जोड़ना होता है, और दो या दो से अधिक फोर्स को अगर जोड़ना हुआ तो पॉलीगन लॉ का हम लोग यूज करते हैं। तो अगर इस लेक्चर के एंड होने के बाद आप देखना बड़ा पॉजिटिव फील करोगे, पॉजिटिवनेस लेके चलना है, शुरू से लेकर आखिर तक लेके चलना है, छोड़ूंगा कहीं भी नहीं। ठीक है, चलिए तो अगले लेक्चर में जब हम लोग पढ़ेंगे, तो अगले लेक्चर में क्या पढ़ने वाले हैं आप लोग प्रॉपर रिवाइज कर लेना। अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं एनालिटिकल मेथड, मतलब हम लोग दो फोर्सेस को जोड़ेंगे
है ना, एनालिटिकल मेथड से, मतलब गुना भाग करके, ठीक है बेटा। तो कैलकुलेटर आप रख लीजिएगा, अगले क्लास को जब अटेंड कीजिएगा कैलकुलेटर आपके पास होना चाहिए। और जो ग्राफिकल मेथड है बेटा, इस पे बेस्ड में क्वेश्चन कभी करवा दूंगा। फिलहाल आपको ये समझना जरूरी है कि ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ, पॉलीगन लॉ काम कैसे करता है। जब ये सीख जाओगे ना, 10 मिनट भी नहीं लगेगा, मैं आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करवा के बता दूंगा। फिलहाल ये सही समय नहीं है। अपने और अपनों का खूब ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय।